असलम माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल माई डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ टॉपिक फ्राम क्लास सेवन साइंस बुक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एसिड्स बेसिस एंड इट्स चैप्टर नंबर फाइव एंड पेज नंबर इज़ फिफ्टी फाइव सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर माई डियर स्टूडेंट्स एसिड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में सुना होगा Uh, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एसिड्स को हाथ मत लगाओ ये बहुत ही uh, हानिकारक होते हैं यानी कि आप लोगों के लिए नुकसानदेह होते हैं ऐसे वैसे बहुत सारी कुछ इसके बारे में चीज़ें सुनी होगी लेकिन बच्चों सब एसिड्स जो होते हैं वो नुकसानदेह नहीं होते हैं कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं जैसे कि आप लोगों ने अपनी क्लास में जब आप लोग स्कूल आते थे वहाँ पे आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था डाइजेशन उसमें मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन में जब हम जो प्रोसेस होती है उसमें भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एसिड्स निकलते हैं जो हमारे खाना को हजम करने में मदद करते हैं हो गई ये वाली बात जिससे अब इससे हमें ये भी पता चलता है कि एसिड्स जो हैं कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं और दूसरी चीज़ जैसे कि आप लोगों के घर में कर्ड होता है कर्ड बोलते हैं दही को दही में भी एक एसिड होता है तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है लेमन जूस जो आप लोग पीते हो नींबू पानी उसमें भी एसिड होता है ऑरेंज जूस विनेगर ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट्स होता है और जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं अब इन सब चीज़ों में एक कॉमन क्वालिटी है कॉमन प्रॉपर्टी है इनमें कि इन सब का टेस्ट क्या होता है सुअर होता है यानी कि ये खट्टे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता चली कि एसिड्स जो होता है इनका टेस्ट खट्टा होता है तो जो भी चीज़ जो खट्टे टेस्ट की होगी वी विल से दैट उस चीज़ में एसिड प्रेजेंट है और क्या होता है इनका जो केमिकल नेचर होता है एसिड्स का जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है यानी इनकी केमिकल नेचर में एसिड अगर कोई बोलेगा कि इसका केमिकल नेचर क्या है व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स सो द आंसर इज एसिडिक ओके सो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिस अब बेसिस भी एक ऐसे सबस्टेंसेस है जैसे कि जिनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है यानी कड़वा होता है फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा है अब हम जैसे बेकिंग सोडा लेते हैं जो घर में हमें इस्तेमाल आता है हम जैसे नमकीन चाय में डालते हैं या कोई रोटियां बनाते हैं जो ये बेकरी वाले होते हैं वो उसको इस्तेमाल में लाते हैं तो बेकिंग सोडा क्या होता है एक तो इसका टेस्ट बिटर होता है कड़वा होता है और ये फ़ील सोपी होता है यानी स्लिपरी फील होता है तो इस चीज़ से हमें पता चलता है इन दो प्रॉपर्टी से कि बेस वो वाली चीज़ें होती हैं जिनका एक तो टेस्ट कड़वा होगा और उनका स्लिपरी फील होता है तो उनको हम बेसिस बोलते हैं और बेसिस किन किन चीज़ों में पाया जाता है जो साबन साबन जो हम लोग सोप घर में इस्तेमाल करते हैं वो बेसिस होता है ब्लीच ब्लीच जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल आता है ब्लीचिंग पाउडर उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है और जो फेस पे लोग ब्लीच करते हैं उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है वॉशिंग पाउडर जो कपड़ों धोने के लिए इस्तेमाल आता है उसमें भी बेस प्रेजेंट होता है अब अब दूसरी चीज़ जैसे कि एसिड्स का केमिकल नेचर एसिडिक था लाइक वाइज बेसिस का जो केमिकल नेचर है वो बेसिक तो आज के टॉपिक में ओवरऑल हमने ये समझा कि एसिडिक का जो टेस्ट होता है वो स्वेयर होता है और इनका जो नेचर होता है एसिडिक होता है और बेसिस का क्या होता है एक तो बिटर टेस्ट होता है स्लिपरी फील होता है और इनका नेचर जो है बेसिक होता है उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में ये टॉपिक समझ में आया होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच